एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपके पास तीन डेटा है, डेटा वन, डेटा टू और डेटा थ्री। इस तीनों डेटा में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मोबाइल नंबर दिया हुआ है और हमें पता करना है कि इसका नाम क्या है। कोई बता सकता है कि कैसे आंसर बनेगा? आप लोगों में से कोई ट्राई किया है इसको? कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बिना नाम दिए भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। मेन है कि ये कैसे हम अलग अलग डेटा से फोन नंबर के बेस पे नाम उठाएंगे। सो एक फंक्शन होता है जिसमें जिसको बोलते हैं इफ एरर। होता क्या है, पहले आप वी लुकअप लगाओ फिर पता चलेगा इफ एरर का काम। वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमारी ये है। टेबल एरे के लिए मैं पहले डेटा पे जाता हूँ, मोबाइल नंबर से सेलेक्ट कर रहा हूँ डेटा को, क्योंकि ये बीच में है। F4 प्रेस किया, एज पर दिस डेटा ये तीसरे नंबर पे है, comma 0। ऐसा करने से अगर पहले डेटा में कोई नाम होगा तो हमें मिल जाएगा, सिर्फ एक नाम मिला बाकी नहीं मिला। अब यहीं पे हमारा था इफ एरर का कॉन्सेप्ट। इफ एरर हमेशा किसी फॉर्मूले के पहले लगता है, तो क्या लगाएंगे, इफ एरर लगाएंगे वी लुकअप के पहले। तो इफ एरर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है वैल्यू इफ एरर। यानी अगर वैल्यू आता है तो आने दो, तो आता किससे है, वी लुकअप से। अगर नहीं आता है तो क्या, तो मैंने बोला 0 डाल दो। तो देखिए जहां जहां एरर था वहां 0 आ गया। किसी ने बोला 0 तो नहीं चाहिए, ब्लैंक कर दो, तो हमने ब्लैंक कर दिया, तो 0 नहीं आएगा, आंसर आया तो आया नहीं तो ब्लैंक। बट ऐसा नहीं है, मेरा ना तो 0 चाहिए ना ब्लैंक चाहिए, हमें तो चाहिए बिल्कुल इसका नाम चाहिए। इसलिए ये एरिया जो है जहाँ पे वैल्यू इफ एरर है वहाँ पे दोबारा वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, टेबल एरे बदल जाएगा। इस बार हम डेटा 2 सेलेक्ट करेंगे, फ्रिज किया, comma 3, comma 0, और एंटर करते ही देखेंगे कि कुछ नाम और आपको मिल जाएगा। वाह क्या बात है, इसमें से 4 लोगों का नाम हमें मिल गया है, अब सिर्फ 2 लोगों का बचा है। तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन है कि डेटा 3 में ये दोनों नाम होंगे, बट इतने दूर तक के लिए तो ये वैल्यू हो गया। और जो एरर आएगा वो इफ एरर, यानी कि एक और इफ एरर का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, इफ एरर एक और लगाएंगे। अभी इस पहले वाले इफ एरर से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू, और कॉमा डालेंगे तो दैट इज वैल्यू इफ एरर। ये अगर फिर से हम इस पे वी लुकअप लगाते हैं, फिर से लुकअप वैल्यू लेते हैं, फिर टेबल एरे, इस बार सिर्फ तीसरा टेबल ले लेंगे और फ्रिज कर देंगे, comma 3, comma 0। तो ये हमारा हो गया वी लुकअप विथ इफ एरर। ऑब्वियसली है कि जिसको इफ एरर नहीं पता है या जिसको वी लुकअप ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता है तो इतना बड़ा फॉर्मूला देख के तो डर ही जाएगा, बट आपके लिए बहुत ईजी हो गया समझने के लिए। अच्छा, एक लॉजिक के तौर पे ये समझना है इस क्वेश्चन में, जो कि क्लास में भी हमने बताया था, कि जितना डेटा रहेगा उतनी बार वी लुकअप लगेगा। क्योंकि 3 डेटा है तो 3 बार वी लुकअप लगा इस फंक्शन के अंदर देखेंगे, और उससे एक कम लगेगा इफ एरर, क्योंकि इफ एरर 2 डेटा को कनेक्ट करके आंसर दे रहा है। सो इस टॉपिक को हमने वी लुकअप में पढ़ा है, या अभी समझिए कि दिस इज कॉल्ड वी लुकअप विथ इफ एरर। इसमें कितने इफ एरर लगाना है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कितनी सीट्स से या कितना डेटा से आपको आंसर निकालना है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कोई बंधु जिनको नहीं समझ में आया, या जिनको समझ में आया दोनों आदमी बोल दें। बिल्कुल, अलग अलग फाइल से भी सेम कंडीशन रहेगा, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अलग अलग फाइल आपकी खोलना है, वहां सेलेक्ट करके आपको ले लेना है डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लेकिन ये बनाने के बाद आप लोगों को खुद भी ट्राई करना है, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप कितना कर पाते हो कितना नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 8, आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक डेटा है हमारे पास, ध्यान देंगे आप लोग, एक डेटा है जिसमें हेडिंग में क्या है, आईडी है, उसका नाम है और उसकी सैलरी है। देखिए सैलरी तो सब में है, बट किसी की आईडी मिसिंग है, किसी का नाम मिसिंग है। मतलब इसका आईडी मिसिंग है तो इसमें नाम है, इसमें आईडी है तो इसमें नाम मिसिंग है। तो कहता है कि चाहे हम यहाँ पे इस जगह पे चाहे आईडी हम लिख दें चाहे हम नाम लिख दें तो हमें आंसर मिल जाए। अगर मैं 2 लिखूं तो आंसर मिलना चाहिए यहाँ पे 3070, या मैं यहाँ पे रोहित लिख दूं तो भी हमें मिल जाना चाहिए 4124। जिसका दोनों है तो उसमें से दोनों में से कुछ भी लिख दो तो मिल जाए, ऐसा ये कौन बना सकता है आप लोगों में से? शिवम, आपने, शिवम कैसे किया? ओके, पहले इक्वल टू वी लुकअप लगाया, ये वाला लिया है लुकअप वैल्यू, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें तो कहीं खींचना नहीं है तो हमें फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, अगर कर दिया तो अच्छा किया, कोई बात नहीं। पूरा टेबल ले लिया हमने, फ्रीज भी कर दिया 3.0। ओके, ऐसे केस में उसी का निकलेगा जिसकी आईडी मेंशन हो। देखिए जिनकी जिनकी आईडी मेंशन है उनकी, लेकिन जिनका नाम, मान लो कि रोहित है, शुरुआती दौर में रोहित है, रोहित से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। अब रोहित का तो आईडी मेंशन नहीं है तो अपने मन से तो 1 डालोगे नहीं, आपको रोहित से ही निकालना है। तो आगे क्या किया आपने? इफ एरर, वेरी गुड, ये भी इफ एरर का ही क्वेश्चन है। इफ एरर में कहता है कि पहली वाली वैल्यू हमने तो निकाल ली, अब क्या करेंगे, दोबारा से वापस वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी बट टेबल बदल जाएगा। टेबल कितना रहेगा, सिर्फ बी से लेके सी तक, फ्रीज कर दिया और एज पर दिस डेटा कॉलम नंबर 2.0, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब किसी का नाम, जैसे विवेक का नाम में आईडी नहीं है, बट यू कैन गेट द डेटा, विवेक का डेटा आपको मिल जाएगा, विवेक की सैलरी मिल गई। एक बंदा दीपक है, दीपक, दीपक का भी आईडी मेंशन नहीं है बट यू कैन गेट द डेटा। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया है ये तो सबको पता है ना, ये मत बोल देना कि ये कैसे बनाया है, याद है ना सबको? कोई नहीं बोल रहा है, किसी को याद नहीं है क्या? कस्टम लिस्ट नहीं है ये, डेटा वैलिडेशन का लिस्ट है। जब डेटा वैलिडेशन में जाके इसमें जो लिस्ट बनाते हैं ना वो है, तो मिक्सिंग नहीं करेंगे कस्टम लिस्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन से मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, इसमें से देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है, नेम है, प्रोडक्ट है, सीपी है, कॉस्ट है, एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी के बेस पे प्रोडक्ट निकालना है, बट क्वेश्चन पढ़ के निकालिएगा। कहता कि प्लीज इम्पोर्ट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन द गिवन डेटाबेस विदाउट वी लुकअप, यानी वी लुकअप यूज नहीं करना है। तो कैसे निकलेगा विदाउट वी लुकअप, यानी वी लुकअप यूज नहीं करना है, कैसे लगेगा? इंडेक्स विद डबल मैच, वेरी गुड, जिसने भी बोला बहुत सही बोला, किसने बोला? अच्छा, आपने बोला, आज पूरा अव्वल दर्जे पे आप काम कर रहे हो, वेरी नाइस, लगता है सैटरडे संडे का कुछ मेहनत हुआ है।
इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इंडेक्स विद डबल मैच से बना सकते हैं, इवन इंडेक्स मैच से भी बना सकते हैं, इवन इसको सिर्फ लुकअप से भी बना सकते हैं। देखता हूं एक बार, ट्राई कर लेता हूं, लुकअप से पहले ट्राई कर लेता हूं। लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, उसके बाद लुकअप वेक्टर हमारा ये होगा और रिजल्ट वेक्टर हमारा प्रोडक्ट होगा। तो आई होप आंसर आना चाहिए, एक आध का चेक कर लेंगे कि आया कि नहीं आया। यानी कि जिसकी आईडी ये वाली है, इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें अगर हैं, इसमें क्या आना चाहिए, 6523 में फ्रिज आना चाहिए। देखिए लुकअप से आंसर नहीं आया, चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम लोग इंडेक्स और मैच का यूज कर लेते हैं। दैट इज व्हाई इंडेक्स मैच थोड़ा ज्यादा रिलायबल है। तो हमने एरे ले लेते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमारा डेटा हो जाएगा एरे। उसके बाद हम मैच लगा देंगे रो के लिए, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, लुकअप एरे हमारा एम्प्लॉय आईडी हो गया कॉमा जीरो, मैच के लिए जीरो कॉमा जीरो बंद। ये रहा आपका आंसर, यानी कि हमारा इंडेक्स विथ मैच काम कर जाएगा। अगर और डायनेमिक करना है तो इंडेक्स विथ डबल मैच भी कर सकते हैं, बट उसमें जाने की जरूरत है ही नहीं। नॉर्मली लुकअप से भी आंसर आ जाता है, बट कुछ इश्यूज रहा होगा, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। लुकअप में सबसे पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो ले लिया, इसको हम फ्रीज भी कर लेते हैं। उसके बाद लुकअप वेक्टर जो है ये हमारा है, इसको मैंने विद इन द रेंज डेटा ली है, रिजल्ट वेक्टर में विद इन द रेंज ली है। देखते हैं एक बार फाइनल चला के लेता है कि नहीं लेता है। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ से कुछ उठा रहा है, इसको देखना पड़ेगा कि क्यों गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे रिलायबल है हमारा इंडेक्स मैच या इंडेक्स विद डबल मैच। इन दोनों कंडीशंस को यूज करके आप इसको ला सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बोला गया था विदाउट वी लुकअप, तो विदाउट वी लुकअप में हमारे पास इंडेक्स मैच ऑप्शन था। एक बार आरएनडी करके देखेंगे कि आखिरकार किस वजह से लुकअप से नहीं आता है, लुकअप से भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोई आप लोगों में से क्वेश्चन नंबर 10 बनाया है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लें पहले क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, अगर आप समझ लिए तो, नहीं समझे तो बहुत कठिन है। कहता है क्वेश्चन कि हमारे पास दो डेटा है, डेटा 1 और डेटा 2, और आपको पता करना है कि वही कि फाइंड द लिस्ट ऑफ द कंपनीज इन डेटा वन। डेटा वन में कुछ ऐसी कंपनीज है जो डेटा टू में नहीं है, उसका लिस्ट आपको बताना है। किसने बनाया? अभी तो 5-6 लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी तो बनाया होगा या किसी ने टच ही नहीं किया, ओपन ही नहीं किया। वाह इतना टाइम मिला, सैटरडे मिला, संडे मिला, आप तो पिछले वाले भी बैच के साथ किया था ना, अपने 8:30 वाला बैच में। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं वी लुकअप। नॉर्मल बिल्कुल सिंपल वी लुकअप में ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी, ये हमारा टेबल एरे हो गया, कॉमा एक ही कॉलम का टेबल है तो 1 हो गया, कॉमा एग्जैक्ट मैच करवाना 0 हो गया। जो जो मैच कर जाएगा उसका नाम सामने आ जाएगा, जो मैच नहीं करेगा उसमें एरर आ जाएगा। अब आपको बताया गया था कि उसकी लिस्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिर्फ एरर वाले को ढूंढ लो और आप बता सकते हो कि ये कुछ कंपनी है जिसका जो हमारे इस डेटा में नहीं है। अगर आप चाहो तो अब क्रॉस चेक कर सकते हो, ये कुछ कंपनी है
जो नहीं है इस डेटा में। कैसे पता चलेगा? एकाध को क्रॉस चेक कर लेते हैं, कॉपी करके इसमें फाइंड करते हैं, कंट्रोल एफ। तो ये बोल रहा है देखिए कि नहीं है, है? अच्छा सही है, ये वाली कंपनी इसमें नहीं है, तो इसमें ढूंढना है ना आपको, इसमें तो इसमें बोलेगा, उसमें तो है ही, इसमें नहीं है। डेटा टू में, विच डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटा टू, डेटा टू में नहीं है। अच्छा इसको चेक करते हैं, कॉपी, इसको चेक करते हैं, इसमें ये भी नहीं है, कोई भी नहीं मिलेगा। ये तो हमने दो वेरीफाई करवा लिया, लेकिन सोचो ना कि मैनुअल वेरीफाई करने में कितना टाइम लगेगा। अगर 2000 डेटा दे दिया आपको कि 2000 नाम मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ आप इजिली कर सकते, सिंपल वीलुकअप से निकल जाएगा। बट ट्राई करिए, बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस बनाया गया है और क्वेश्चन को आप लोग देखते तक नहीं हो, बनाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी मैम, आप कुछ बोल रही हैं? हाँ वो तो नॉट एप्लीकेबल वाले को निकालने के लिए फिल्टर लगा लो, वो भी नहीं लगाना चाहते हो तो सॉर्टिंग कर लो। सॉर्टिंग कर लोगे तो भी आपको सारा एरर वाला एक साथ आ जाएगा, तो बता देना कि ये सब है। या तो सॉर्टिंग कर ले या तो फिल्टर कर ले, हमें बताना पड़ेगा ना कि ये सब कंपनीज में, ये सब कंपनी का नाम है जो इस डेटा के अंदर नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये 10वां नंबर, बट क्यों नहीं आप लोगों ने ट्राई किया ये तो भगवान जाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं भी बनाए हो ना तो भी अब बना दो, कम से कम अभी बता दो कोई। यहाँ पे कुछ नाम है और उस नाम के बेस पे हमें डेजिग्नेशन निकालना है। इसमें बोल रहा है कि प्लीज फाइंड डेजिग्नेशन ऑफ ईच एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। वी लुकअप यूज करना है, यूजिंग एनी अदर फंक्शन, हेल्प ऑफ वी लुकअप यूजिंग एनी अदर फंक्शन, यानी वी लुकअप के साथ क्या लगाएंगे जिससे कि हम डेजिग्नेशन निकाल सकते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। वी लुकअप के साथ चूज का यूज कर सकते हैं हम। वी लुकअप पे लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, और टेबल एरे के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूज का यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ हमें दो ही का काम है, दो लगाया, एक हमारा नेम हो गया इसको फ्रिज कर दिया, दो हमारी डेजिग्नेशन हो गई इसको हमने लेके फ्रिज कर दिया। यहाँ पे हमारा टेबल खत्म, यानी चूज खत्म, सेकेंड कॉमा जीरो। ये तो हमने क्लास में कई बार पूछा कई लोगों से। तो जितना आप क्वेश्चन बनाओगे ना उतना आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हो, कितना अटका के रखे हो, कितना भूल गए। एक होता है क्लिनिक ऑल क्लियर, एकदम साफ हो जाना, बिल्कुल कुछ नहीं दिमाग में है वी लुकअप के अलावा, नाम के अलावा। एक होता है सारे पॉइंट्स क्लियर होना, तो आप किस तरह का क्लियर चाहते हो ये तो आपका प्रैक्टिस बताएगा। हाँ बताइए। खाली सिंपल इंडेक्स से कैसे सॉल्व करोगे आप? इंडेक्स विथ मैच लगेगा, रो नंबर पता होगा किसी का, तभी तो आप निकाल सकते हो ना। मान लो पुष्पेंद्र का रो नंबर हमें पता नहीं होगा, तो इसका सीपी या एसपी या डेजिग्नेशन कैसे पता कर लेंगे? तो कभी भी इंडेक्स अकेला कहीं कुछ यूज नहीं होता है, जब भी इंडेक्स यूज होता है तो इंडेक्स के साथ मैच यूज होता है। मैच भी अकेला मैच करके क्या करेगा, रो नंबर और कॉलम नंबर पता करके देगा, लेकिन उस रो और कॉलम नंबर के डेटा को हमें उठाना है, दैट इज व्हाई इंडेक्स। तो इसलिए इंडेक्स विथ मैच होगा, कभी भी इंडेक्स अकेला नहीं होगा। इंडेक्स विथ मैच या फुल डायनेमिक बनाना है तो इंडेक्स विथ डबल मैच। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों में से ही ने सॉल्व किया, ये अच्छी बात है कि 5-6 लोगों में से कम एक जने तो कम से कम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दो, तो पढ़ाया हुआ सफल माना जाएगा। ये थोड़ा सा टफ है बट कोशिश करेंगे तो बन जाएगा।
क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन मैं ही पढ़ देता हूँ, आप लोगों ने तो क्वेश्चन देखने का भी जहमत, उर्दू वर्ड है शायद, नहीं उठाते हैं। जिनकी उर्दू अच्छी होगी वो बता सकता है कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। जहमत ही बोलते हैं ना साजिद। साजिद सही बोला है, इसका मतलब सही बोला। कभी जहमत उठा लिया करो कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा चलो, आज हम लोग खोल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि देखिए यहाँ पे जो डेटा दे रखा है इसमें से बोल रहा है कि जो लोएस्ट मार्क्स जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट का नाम देना है। जैसे आप देखेंगे शगुन का, यहाँ विथ एग्जाम्पल मैंने दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि शगुन का सबसे कम 12 मार्क्स है जो केमिस्ट्री में है, तो यहाँ पे हमें केमिस्ट्री चाहिए। अगर मैं अमित की बात करूं तो अमित का मैथ में सबसे कम है तो मैथ चाहिए। अब सोचो ना कि आपके पास 10 लाख डेटा है, 10 लाख बच्चों का रिजल्ट आ गया और हमें पता करना है कि लोएस्ट मार्क्स कितने बच्चों का केमिस्ट्री में है, कितने बच्चों का मैथ में है, कितने का फिजिक्स में। पहले तो यहाँ निकले तभी तो आप काउंट करके बताओगे। क्वेश्चन को तो हम और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, बट ये तो पता चले कि ये आंसर कैसे बनेगा। पहले नहीं बनाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अभी सोच के बनाओ कि क्या हो सकता है। इसका आंसर हम लुकअप के फंक्शन से भी दे सकते हैं, इसका आंसर हम इफ से भी दे सकते हैं। कोई है? अच्छा चलो, इफ से बना सकते हो इसको। चलो वी लुकअप वाले में तो चलो अभी बता ही देंगे, इफ से कोई बता सकता है? हाँ बताओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि वी लुकअप पढ़ रहे तो खाली वी लुकअप में आंसर दो, इफ डेटा वैलिडेशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबको गोल कर दो। यानी कि जब हम इंटरव्यू में जाएंगे ना तो वहां पे हमें अपने आप को ऑलराउंडर बनाना है। चलो फील्डिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में 2-3 विकेट निकाल दो, बॉलिंग में चले तो 10 बॉल में 60-70 रन मार दो। मतलब ऑलराउंडर बनो कि कहीं ना कहीं से तो आप जवाब निकाल ही लो। चलो ट्राई करते हैं आप। इफ A2, अगर याद हो तो मैंने इफ वाले में भी सेम क्वेश्चन डाल रखा है। अगर आपने इफ का असाइनमेंट किया होगा तो सेम क्वेश्चन उसमें भी कॉपी पेस्ट कर दिया था मैंने। आप जो लेना है ले लो, बट बता दो। देखिए शुरुआती दौर में तो हम हेल्पिंग कॉलम लेके तो बना ही लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बस आंसर चाहिए। बाद में जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर हमें विदाउट है क्या लेंगे 3 बार। किस लिए? हमें तो चाहिए भाई सबसे कम का मतलब केमिस्ट्री होना चाहिए। जो लगाना लगा लो, अभी तो आपके आपके पास क्वेश्चन है और आंसर आप इंडिपेंडेंट हो, जो मर्जी बोलो वो हम टाइप कर देंगे। नीलव आपने दिया था पिछला बार हमें आंसर, यस, जब आपने इफ किया था उस समय आपने बनाया था। एग्जैक्टली, इफ लगेगा और मिन का यूज होगा। चलो हिंट तो दे दिया नीलव ने। देखो ना, मेरे को ये भी याद है, आज से 20 दिन पहले क्लासेस हुई थी और इन्होंने जवाब दिया था, और मेरे को वो भी याद है। आपको अपने सब्जेक्ट का ही याद नहीं है, पढ़ भी लिया, क्वेश्चन भी बना लिया, लेकिन इंटरव्यू में जाके बोलोगे कि भाई आंसर तो याद ही नहीं है। ट्राई करूंगा, ट्राई हमेशा पहले किया जाता है।
आपसे भी मैं उम्मीद कर सकता हूं स्नेहा, प्लीज। कोई बात नहीं, हेल्पिंग कॉलम से बनाओ ना। हमने मना नहीं किया, हम इनिशियल लेवल पे बोलते कि जैसे भी हो बनाओ। कहते हैं कि दो छक्का मार के आउट हो जाओ, बट जीरो पे मत आउट हो, बेशक दो ही बॉल आपने खेला। तो जब हमें आउट भी होना होगा तो कम से कम 12 रन बना के आउट होंगे ना। देखो 12 आ भी गया। चलो इसमें से मिनिमम से हेल्पिंग कॉलम से ये हुआ, मीन लगाने से हमें ये पता चल गया कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। अब क्या करने वाले हो? ए भगवान, क्यों निकालेंगे मैक्सिमम जबरदस्ती? क्वेश्चन मीन का है, मैक्सिमम क्यों निकाल सकते हैं? अच्छा आप ना बोल देते हो भी का मतलब है कि दो तीन क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो, इस तरीके से भी निकाल लेंगे। तो वो भी वाला नहीं किया करो, जो है वैसी का आंसर पहले दो ना। भी तो तब होता है कि दो आंसर निकाल दिए सर, मैक्सिमम से भी निकाल देते हैं लोग। हाँ हाँ, एरर तो है ही नहीं। इफ साइड में लो ना, इसी में बनाओ ना, कोई बात नहीं। इफ हाँ, वेरी गुड। उसके बाद नहीं बात समझ में आ रही है। चलो और कोई है? नीलम आप कोशिश करेंगे? ग्रेट, बताइए। हाँ हाँ, मीन ऑफ दिस, यस ग्रेट, मीन ऑफ दिस एग्जैक्टली। अगर इसका जो मिनिमम निकले अगर इसके बराबर हो तो फिजिक्स हो जाए। फिर से इफ, फिर से मीन, फिर से अगर, इन तीनों का मिनिमम अगर सी टू हो जाए तो केमिस्ट्री हो गया, अदरवाइज जो बच गया वो तो मैथ हो ही गया। कितना इजी था लेकिन समझने के बाद। लेकिन आप क्या बताऊं, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना क्वेश्चन देने के बाद, क्वेश्चन बताने के बाद, तब थोड़ा सा दुखद समाचार हो जाता है। मतलब सोच रहे हो कि 40,000 की नौकरी में भी ना इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर एक्सेल से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट वहां तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलने वाला है। हमें क्वेश्चन पे जो टॉपिक हो गया ना उस टॉपिक को मत करो। सप्ताह में एक बार ना कोई उस टॉपिक के क्वेश्चन को छेड़ दो ना। देखो आपसे कोई इंटरव्यू नहीं है जो नहीं निकाल पाते। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हुए हैं जो एक बार करके गया और एकदम फर्स्ट ही राउंड में इंटरव्यू में अपॉइंटमेंट लेटर लेके ही आया मिठाई के डब्बे के साथ। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि कितना भी बता दो, वीडियो रिकॉर्ड करके दे दो, फिर भी प्रैक्टिस करना नहीं। टाइम तो देना पड़ेगा, देखिए टेक्निकल चीज़ है, टाइम देना पड़ेगा। और टाइम कैसे मैनेज किया जाता है उसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ आप 4 घंटे पढ़ो, आप 2 ही घंटे पढ़ो। 2 घंटे में 1 घंटे आप करेंट टॉपिक को देखो जो चल रहा है, और 1 घंटे आप दो ओल्ड टॉपिक के ऊपर जो आपका हो चुका है। देखो कैसे बैलेंस बनता है। आप क्या करते हो, एकदम कसम खा लियो कि आज भी लुकअप खत्म करके ही छोड़ेंगे। दिन रात 16-17 घंटे लगा दिया, उस समय एकदम वी लुकअप से कुछ भी पूछो हो जाएगा। 15 दिन के बाद वी लुकअप भी गोल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी गोल, जो जो होते गया सब गोल हो गया। वो तरीका है ही नहीं। तरीका होता है अगर 1 ही घंटा पढ़ना है तो आधे घंटे नए पे दो, आधे घंटे पुराने को लो। और सबसे बढ़िया तरीका है अपना लेवल चेक करने के लिए असाइनमेंट खोलो और बनाने की कोशिश करो। उसमें हर एक बढ़िया जो लॉजिक है वो सब उसमें इंक्लूडिंग है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले हमें इसका आंसर,
एक्चुअली ये VLOOKUP से नहीं बनेगा, ये इंडेक्स से बनेगा। इंडेक्स में क्या करेंगे, जो हमारा एरे है हमें जो चाहिए उसको इंडेक्स से लाते, तो चाहिए तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में, और इसको मैच करवा देंगे। मैच करवाएंगे किससे, जो मिनिमम वैल्यू होगी इस डेटा के अंदर, वो यहाँ पे भी मिनी होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारी लुकअप वैल्यू होगी। ढूंढेगा कहाँ, ढूंढेगा भी इसी डेटा के अंदर। और कॉमा जीरो, यही होता है मैच का फॉर्मूला। चूंकि हमें यहाँ कॉलम डिफाइन नहीं है तो ये अप्रोक्स में चलेगा, यानी कि आपको एग्जैक्ट में नहीं चलाना है, कॉमा जीरो नहीं देना है, या ना कॉलम नंबर आपको बताना है, बस। ये तो बहुत आसान है। हमें ये चाहिए मेरा लुकअप वैल्यू क्या होगा, जो सबसे कम हो, ढूंढेगा कहाँ, ये हमारी लुकअप एरे हो गया, कॉमा जीरो। चूंकि इसमें कोई कॉलम डिफाइन नहीं है कि 1, 2, 3 कहाँ से लेंगे, तो उसको हमने कुछ नहीं दिया, कॉलम नंबर नहीं दिया, और हमने आगे बढ़ ली, हमें आंसर मिल गया। देख लीजिए क्रॉस चेक करके किसी का भी। अमित का मैथ में बिल्कुल सही दे रहा है, केमिस्ट्री में इसका दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, इसका भी मैथ है बिल्कुल सही दे रहा है। तो बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, अगर हम लुकअप या इंडेक्स मैच का हेल्प लेके बनाएंगे। वी लुकअप में तो उतना लॉजिक लगाओ, उससे हल्का है ये। इसके बाद का क्वेश्चन होपफुली थोड़ा इजी है, देखते हैं कि क्या है। हाँ ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो लगता है कि सारे लोग जवाब देना चाहिए। इसमें है कि आपको मोबाइल नंबर के बेस पे नेम और मॉडल दोनों निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड मॉडल एंड नेम बाय यूजिंग सिंगल फार्मूला। एक फार्मूले से आपको सब कुछ निकालना है, नेम भी और मॉडल भी। वी लुकअप विद चूज से भी बन जाएगा और इंडेक्स विद डबल मैश से भी बन जाएगा, कॉलम से नहीं। हाँ वी लुकअप चूज कॉलम से बन जाएगा और इधर बनेगा तो इंडेक्स विद डबल मैच से बन जाएगा। इंडेक्स विद डबल मैच का यूज कर लेते हैं, इजी है। एरे एज ए पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया, उसके बाद हमें चाहिए रो नंबर, उसके लिए मैच चाहिए होगा, ये हमारी मैच है, एक से ज़्यादा डेटा लेना है इसलिए एफ को फ्रीज कर देंगे। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसका मोबाइल नंबर से मैच करवाना है, तो ये एरे हो गया। कॉमा जीरो, पहला मैच खत्म। दूसरा मैच हेडिंग टू हेडिंग मैच के लिए होगा, दिस इज लुकअप वैल्यू, इसमें वन फ्रीज होगा। अब ये बोलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो ये सब तो वी लुकअप में हम पढ़ा चुके हैं, तो सिर्फ आंसर बता रहे हैं। अब ये बोलोगे सर आपने फटाफट से कर दिया, तो ये फटाफट से करेंगे ना, अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सब तो आपको वी लुकअप या इंडेक्स मैच के टाइम में प्रैक्टिस करना था। कोई डाउट है, किसी को डाउट है इंडेक्स मैच, इंडेक्स विद डबल मैच का प्रैक्टिस अगर आपने थोड़ा सा भी किया होगा तो अभी तुरंत समझ में आ गया। मंजू मैम ये समझ में आया, अब आ गया। चलो कोई नहीं। और स्नेहा आपको समझ में आया, ग्रेट ग्रेट। और कोई बंदे हैं महानुभाव जिनको समझ में नहीं आया? नहीं, सबको आ गया है, मतलब सब अच्छे हैं। चलो तो अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ना नेक्स्ट सैटरडे या संडे कभी भी लुकअप का उठाओ और आधे घंटे एक घंटे खुद से बैठ के देखो कि फिर कितना बनता है। नहीं तो मैंने तो रिकॉर्डिंग कर ही दिया, आपको क्लू तो पता चल ही जाएगा, बट आप ना खोल के जरूर देखा करो, नहीं हो तो रेंडमली ही देखो कि सैटरडे को बैठा रेंडमली 2-3 क्वेश्चन वी लुकअप का उठाया, 2-3 क्वेश्चन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उठाया, 2-3 मतलब टारगेट कर लो कि सैटरडे को 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको तो मैं 150 से ज़्यादा क्वेश्चन देता हूँ सारे टॉपिक मिला, तो 20 तो बनता है, लेकिन एक ही टॉपिक मत उठाओ। जब आपका सिलेबस एंड के तरफ है तो कोशिश करो कि पूरा ही लो। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं।
हाँ, यानी कि सब कुछ वही है जो हमने पढ़ा है। लेकिन ये बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। आप लोगों में से जो बना देगा ना, उसको 10 रुपए का पेटीएम करेंगे हम अभी तुरंत, नहीं तो आओगे तो चाय पिलाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए ये चाय रखा गया। वो चाय नहीं समझो, वो वर्ल्ड कप है आपके लिए। 10 रुपए मत सोचना, आप 10 लोगों के बीच में बता रहे हो, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन नहीं, आपको साल हो गया, साल तो लॉकडाउन में ही निकल गया। अभी लॉकडाउन के वजह से ही हमने इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ फिजिकल लोग जो आ रहे थे, आधे लोग तो ऑनलाइन पे ही थे, आधे लोग फिजिकल पे थे, बट हमें थोड़ा सा कोविड का केस जो थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, तो 2-4-5 दिन हम लोग ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी हम आपको फिजिकल के लिए बुला लेंगे जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा या हमें लगेगा कि कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में वहाँ पे डिफिकल्टीज होती है ना, जो इंटरेक्टिव सेशन नहीं होता। हम तो खूब एग्जाम्पल देते हैं, बात करते हैं, गप्पे लगाते हैं, पढ़ते हैं, राइट? तो दिस इज इंटरेक्टिव क्लासेस, आप अपनी हर बात हर मिनट रख सकते हो। एक होता है आईआईएम, जैसे बात कर लो, आईआईएम की बात करोगे आप, ग्रेट लेक्स की बात करो, 3-3.5 लाख रुपए लेके लेता है और आपको रिकॉर्डेड क्लास का लिंक भेज देता है। हाँ हाँ मैम, वी लुकअप का क्वेश्चन है तो वी लुकअप तो लगाओ ही। नहीं, मैं तो आपके लिए तो मैं आपको कॉफी दे सकता हूँ, वो भी कोल्ड कॉफी, गर्मी का दिन है, 50 रुपए वाला। सबके लिए तो 10 रुपए वाला चाय है, आपके लिए कॉफी अगर आप बता दिए, बशर्ते बता दो आप आंसर। अब ऐसा नहीं कि जो सीट मैंने भेजा है ना उसमें आंसर बना, उसको लेके टाइप कर देना। एक रास्ता और भी मैंने बता दिया कि जो अब सीट मैंने भेजा है ना उसमें आंसर बना हुआ है, मैं बोल रहा हूँ लाइव बनाओ, लाइव बताओ कि क्या क्या करें। देखिए, नहीं, देखते हैं इसको कॉन्सेप्ट। कोई है आप लोगों में से जो बताना चाहते हो, गलती हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट बता। चलिए सिंपल वी लुकअप से ट्राई करते हैं। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा? A2, अमित, वेरी गुड। उसके बाद टेबल एरे क्या होगा? ए और बी को सेलेक्ट कर लेंगे, बस यहीं पे तो वी लुकअप खत्म हो जाएगा। नहीं, ना ना ना, चलो उसके बाद आप बताइए कोई और है। देखो लुकअप वैल्यू पहले समझने से पहले एक क्वेश्चन पढ़ लो। कहता है कि ये एक लिस्ट दी गई है आपको, लिस्ट ए, जिसका नाम लिस्ट ए में नाम है उनको 10% का बोनस मिलेगा, और उन जो नहीं है जिनका नाम 5, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, टेबल एरे हमारे लिए ये हुआ, बी नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सिर्फ डी हुआ। उसमें कॉलम, एक ही कॉलम का डेटा है, तो 1,0 करेंगे तो कौन कौन सा नाम ए में है उसका नाम आ जाएगा, और जिसका नहीं होगा वो नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो या तो आंसर है या तो एरर है, तो क्या हम इसको इज एरर से ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? यानी कि जिसमें जिसमें एरर होगा, जिसका जिसका नाम नहीं है वो ट्रू आया, और जिसका नाम है वो उसका फॉल्स आया। अब लगेगा इफ कि अगर ये वैल्यू फॉल्स होता है तो इस अमाउंट का 10%, अदरवाइज इस अमाउंट का 5%। तो देख रहे हो कि सब कुछ यूज हो गया, इफ भी यूज हुआ है, इज एरर भी यूज हुआ है, वे लुकअप भी यूज हो गया, और तब जाके आंसर आपको मिल गया।
क्रॉस चेक कर सकते हो किसी आंसर को, जिसमें जिसके भी नाम है ना उसका 10% जरूर होगा। अमित का देखिए, पहला अमित 10% वही हुआ है ना, 6.7। चलो गौरव का देखते हैं, गौरव का भी है ना, लेकिन इसका देखिए ब्रजेश का नहीं है नाम, ब्रजेश का नाम नहीं तो इसको 10% मिलता तो 5.9 होता ना, इसलिए इसको 2.95 ही है, उसको 5% मिला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए एक और थोड़े क्लास के आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर बनाइएगा, आंसर बना हुआ ही था। चलो कह रहा है देखिए, डेटा वैसे हॉरिजॉन्टल है और क्वेश्चन वर्टिकल है, और ये बोल रहा है कि पुल द सिटी फ्रॉम द डेटा विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। हमने क्या पढ़ा था कि डेटा वर्टिकल हो तो वी लुकअप लगाएंगे, डेटा हॉरिजॉन्टल हो तो एच लुकअप लगाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ये बोल रहा है कि पुल द सिटी, सिटी निकालना है बट वी लुकअप से निकालना है। अगर आप वी लुकअप लगाते हो लुकअप वैल्यू में तो टेबल एरे तो तक तो ठीक है बात, इसके बाद ये तो कॉलम मांगता है, तो कॉलम में हमारी हेडिंग थोड़ी है ना कि हम 3.0 कर देंगे कि आंसर आ जाए, या 2.0 कर दें आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा विदाउट ट्रांसपोज डेटा, ट्रांसपोज डेटा कुछ होशियार बंदे भी हमारे पास हैं स्टूडेंट, ये कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर लेते हैं और इस उससे नहीं इससे आंसर बनाते हैं। तो मैंने ये बोला कि डेटा को ट्रांसपोज नहीं करना है, इससे तो आप बना ही लोगे, ये देखो इससे तो बन गया, इससे बन गया आंसर, बट ये नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं अलाउ है। आप बताओ कैसे होगा। देखिए ये एरे फॉर्मूला के अंदर आता है, एक्चुअली इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है, इसका बता देता हूँ ट्रिक, थोड़ा याद रखना। लुकअप वैल्यू हमारी यही होगी, चूंकि वी लुकअप से बनाना है, लुकअप वैल्यू यही है, हमें डेटा में प्रॉब्लम है ना, तो ये डेटा जो है ना, डेटा को ट्रांसपोज नाम का एक फंक्शन होता है, अभी तक नहीं पढ़े थे, अभी तक पेस्ट स्पेशल में आपने ट्रांसपोज को यूज किया था। आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे इस डेटा को अंदर ही अंदर, फ्रीज कर दिया हमने, ये डेटा ट्रांसपोज कर देगा, ट्रांसपोज कर दिया, उसके बाद कॉलम नंबर मांगा तो हमने 3 दे दिया, 0.0 दे के इंटर मारोगे तो नहीं आएगा आंसर, मतलब हमने जो करना था किया बट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एरे फंक्शन है, एरे फंक्शन हमेशा ऑल्ट कंट्रोल और वी से चलता है। देखते हैं दोबारा से, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे हमारा ये हो गया, लेकिन टेबल एरे को क्या करेंगे, ट्रांसपोज के अंदर रखेंगे, इसको ट्रांसपोज के अंदर रख लिया, फिर इसमें 3.0 बंद करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये तीनों दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, शायद मैंने पीछे शॉर्टकीज गलत बताया था, याद नहीं है, वीडियो देख लेना, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का यूज करेंगे तो हमारा निकल आएगा। इसी का सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 17वां, ये सब क्वेश्चन नॉर्मली कोई नहीं बनाया है, बना पाता है नॉर्मली। इसमें क्या है कि डेटा वर्टिकल है और बोलता है कि एच लुकअप से निकालो, कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा, टेबल एरे के जगह पर ट्रांसपोज नाम का फंक्शन लगेगा जो हमारा डेटा को इंटरनली ट्रांसपोज कर चुका रहेगा, उसके बाद एज पर डेटा जो क्या चाहिए था, इसमें नेम चाहिए था, पता नहीं क्या चाहिए था, 2.0 बंद एंटर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नहीं सैलरी चाहिए था तो 3 आएगा, ये 3 डालने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर और यहां से ड्रैग कर लेंगे, ये आ गया।
तो ये था वी लुकअप के वो अनटच क्वेश्चन, जो कई बार वी लुकअप का चैप्टर तो खत्म हो जाता है लोगों का लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए असाइनमेंट करो, हमारा पता है सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट असाइनमेंट है। 150 और क्लास की ट्रेनिंग को मिला के 200 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अब समझ ही सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट रहता होगा। अगर एक बार पकड़ बन गया ना तो आपको काफ़ी फायदा तो हो चुका होगा, बट और फायदा लेने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट वी लुकअप का असाइनमेंट। जी बताइए। डेटा वाले पॉइंट पे, जिसको हम डेटा, डेटा हमारा उल्टा है ना, डेटा हॉरिजॉन्टल के जगह पे, तो डेटा जो सेलेक्ट करते हैं उससे पहले हमने एक ट्रांसपोज यूज किया। क्योंकि ट्रांसपोज एक एरे फंक्शन है तो डायरेक्ट एंटर मारने से देखा आपने कि आंसर नहीं आया, तो हमने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का यूज किया। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये एरे के लिए यूज होता है। जब भी कभी एरे फॉर्मूला यूज करोगे तो ये होगा। इसके भी 2-3 एग्जांपल दे देंगे आपको एंड ऑफ एंड तक में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एरे फंक्शन कैसे काम करता है। तो आज की क्लास को यही विराम दीजिए, प्रैक्टिस करिए,